हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 1 इंटीजर के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 6 हमें दे रखा है। इन अ टेस्ट 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। वो टेस्ट हुआ है जिसमें अगर आप सही जवाब दोगे तो आपको पॉजिटिव के 5 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव के 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो। राधिका ने आंसर दिए सभी क्वेश्चनों के, जिसमें उसका स्कोर आया 30 मार्क्स का। थ्रू दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर। उसने 10 सही जवाब दिए हैं, ठीक है, 10 सही जवाब दिए, इसका मतलब बाकी उसने कुछ क्वेश्चन गलत दिए होंगे और ऐसे उनका सम करके कितने मार्क्स आएंगे, 30 मार्क्स आएंगे। जय वहीं पर उसने भी सभी ऐसे वालों का आंसर दिया, उसका स्कोर आया माइनस का 12 मार्क्स। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। उसने सही सिर्फ 4 ही सवाल दिए हैं, ठीक है, तो बताओ उसने कितने गलत जवाब दिए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने टेबल बना ली है। यहाँ स्टूडेंट का नेम, नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर, सही जवाब देने पे 5 नंबर मिलेंगे, नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर, गलत जवाब देने पर 2 नंबर कट हो जाएंगी और यहाँ पर उनके मार्क्स आगे टोटलिंग होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो है राधिका, ठीक। राधिका ने क्या किया है, राधिका को स्कोर आया है 30 मार्क्स। देखो ये 30 मार्क्स कैसे आया होगा, जितने उसके सही नंबर मिलेंगे वो उसमें से गलत वाले माइनस करने के बाद ही मार्क्स मिलेंगे उसको। उसने 10 सही जवाब दिए हैं, गलत कितने दिए मालूम नहीं है, तो सही जवाब के मार्क्स कितने मिले उसको, 10 इंटू 1 जवाब सही देगी तो 5 नंबर मिले, 10 सही दिए तो कितने मिलेंगे, 10 को 5 से गुणा कर दो, 10 गुणा में 5, इतने उसको सही नंबर मिल गए। गलत हमें निकालना है, मैंने मान लिया कि उसने गलत जवाब कितने दिए हैं, एक्स दिए हैं। एक जवाब गलत देने पर 2 नंबर कटते हैं, तो उसने टोटल एक्स जवाब गलत दिए हैं, तो मल्टीप्लाई करते 2x के साथ, 10 फाइव ज़ा 50, माइनस का 2x, और इस तरीके से टोटल सही नंबर में से गलत नंबर जो कटे हैं, मार्क्स कटे हैं, वो माइनस करने पे हमारे टोटली मार्क्स आएंगे। अब इनको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। इसमें वेरिएबल एक्स है, इसमें वेरिएबल एक्स नहीं है, हम बिना वेरिएबल वाले को एक साथ रखेंगे, वेरिएबल वाले को अलग कर लेंगे, तो माइनस का 2x है दूसरी तरफ ले गए, पॉजिटिव का हो गया, माइनस का 30 इस तरफ ले आए, नेगेटिव का हो गया। बराबर के दूसरी तरफ अगर कोई नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 में से 30 गया 20, यहाँ पे 2x, मल्टीप्लाई में 2 है इसमें आ जाएगा, डिवाइड में, इसमें डिवाइड दिया मैंने, कितना आया 10। तो यानी उसने कुल मिला के 10 गलत जवाब दिए हैं, किसने दिए हैं, राधिका ने, ठीक है। 20 में क्योंकि मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, 10 होंगे। अगली बारी आई जय की, जय ने कितना स्कोर आया, जय का स्कोर आया माइनस का 12। कैसे निकला, जय ने सिर्फ 4 ही सही जवाब गलत दिए, बाकी गलत कितने दिए, मैंने मान लिया वाई दिए उसने गलत जवाब, तो एक जवाब सही देने पर 5 मिलते हैं, 4 सही दिए तो कितने मिलेंगे, 4 गुना में 5, गलत देने पे 2 नंबर कटते हैं, कितने 2, कितने गलत जवाब दिए वाई, इनको सॉल्व करने पे माइनस का 12 आएगा, 4 5 20, माइनस का 2y। तो ये वेरिएबल विदाउट वेरिएबल है, विदाउट वेरिएबल वाले को इधर ले आओ, माइनस का है तो प्लस का हो गया, वेरिएबल वाले को इधर ले जाओ, माइनस का है तो प्लस का हो गया, दोनों को जोड़ा कितना है 32, मल्टीप्लाई में है 2, इसमें आ जाएगा डिवाइड में, 32 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 16। तो यानी कि राधिका ने कुल मिला के 10 जवाब गलत दिए और जबकि जय ने कुल मिला के 16 जवाब गलत दिए, क्लियर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर 10, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर 16। तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है, शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग अ 1 पेन। एक शॉपकीपर को एक पेन बेचने पे 1 रुपये का मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, वहीं पर उसे 40 पैसे का लॉस होता है, क्या करने पर, एक पेंसिल को बेचने पर, ऑफ हर ओल्ड स्टॉक, पुराने स्टॉक में से बेचने पे। एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर शी इनकर्स अ लॉस ₹5, उसको 5 रुपये का लॉस हुआ। इन द पीरियड शी सोल्ड 45 पेन, उसने 45 पेन बेचे। हाउ मैनी पेंसिल डिड शी सेल इन हिज इन दिस पीरियड, तो बताओ उसने कितनी पेंसिल बेची, पहला पार्ट हमारा। दूसरा, इन द नेक्स्ट
मंथ शी अर्न नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, अगले महीने में उसे ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस हुआ, मतलब उसको जीरो पे रही उसकी वैल्यू। तो उसने अगर 70 पेन बेचे तो बताओ उसने पेंसिल कितनी बेची। तो देखो यहाँ पर हमें अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस के साथ, और अगर हमें लॉस होगा तो लॉस को रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनस के साथ। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट ऑन वन पेन, एक पेन पे एक रुपये का प्रॉफिट है। देखो हमारा क्वेश्चन पैसे और रुपीज़ में है, तो या तो पूरा क्वेश्चन रुपीज़ में हो या पूरा क्वेश्चन पैसे में हो। तो हम इस क्वेश्चन को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। वन रुपीज़ का मतलब क्या होगा, 100 पैसे, और यहाँ पे हमें दे रखा है लॉस ऑन वन पेंसिल, एक पेंसिल पे लॉस कितने का है, 40 पैसे का। अब लॉस हो रहा है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, माइनस से। प्रॉफिट हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने टेबल बना लिया है, नंबर ऑफ सोल्ड पेन, नंबर ऑफ सोल्ड पेंसिल, कितने पेन बेचे कितने पेंसिल बेचे उनसे प्रॉफिट या लॉस होगा वो मैंने यहाँ मेंशन करेंगे। पहले पैन में बोला गया है उसे 5 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, 5 रुपये का लॉस होने का मतलब है 500 पैसे का। ठीक है, लॉस हुआ है तो इसको नेगेटिव से दिखाएंगे 500 पैसे। क्यों, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने होंगे, 500 पैसे होंगे लॉस हुआ है। ये लॉस कैसे निकला होगा, जो प्रॉफिट कम हुआ होगा लॉस ज़्यादा हुआ होगा, दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आया होगा, लॉस निकल के आया होगा। यहाँ पर हमें दे रखा 45 पेन बेचे हैं, पेंसिल कितनी बेची हमें निकालनी है, मैंने एक्स मान ली। देखो पेन पे हमें 100 पैसे का मुनाफा होता है, पेंसिल पे 40 पैसे का लॉस होता है। तो स्टूडेंट एक पेन बेचने पे 100 पैसे का प्रॉफिट होता है, तो हमने तो 45 पेन बेचे हैं, तो 45 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। लॉस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को, एक पेंसिल बेचने पे 40 पैसे का लॉस होता है, तो हमने कितनी पेंसिल बेची हैं, एक्स बेची हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई किया 4500। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी तरीके से इसको करना है। यहाँ पे माइनस का 500, ये वेरिएबल वाला, ये विदाउट वेरिएबल वाला, तो वेरिएबल वाले को दूसरी तरफ ले जाओ, किसका हो गया पॉजिटिव का 40x, ये माइनस का है इसको वेरिएबल वाले के पास ले जाओ, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती ना उसके पास, माइनस का बराबर के दूसरी तरफ आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दोनों को जोड़ा 5000 निकल के आ गया, 40x मल्टीप्लाई में x है, मल्टीप्लाई में 40 है, बीच में निशान नहीं है तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 कट गया, 5 में डिवाइड दिया, 4 एकम 4 1 4 2 8, 4 5 25, कितना निकल गया है 125। तो यानी हमने 125 पेंसिल यहाँ पर बेची है, क्लियर। तब जाके हमें कितने का हुआ, 500 का लॉस हुआ, 500 पैसे का। ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 देखो, इसमें बोला गया नेक्स्ट मंथ के अंदर हमने ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस कमाया है, तो इसका मतलब हमारी ट्रांजेक्शन क्या हुई है, जीरो पे हुई है, जितने के प्रॉफिट हुआ होगा उतने का ही लॉस हुआ होगा एग्जैक्टली। तो हमें दे रखा हमने 70 पेन बेचे हैं, पेंसिल कितनी बेची है, भाई मान लो एक पेन बेचने पे 100 पैसे का प्रॉफिट होता है, तो 70 पेन बेचेंगे तो 100 × 70, एक पेंसिल बेचने पे 40 पैसे का लॉस होता है, कितनी पेंसिल बेची है, वाई बेची है, तो यह कितना हुआ 7000 निकल गया, माइनस का 40y = 0। माइनस का वेरिएबल वाला है, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, माइनस का इधर है किसको आ गया, प्लस का हो गया, यहाँ पे 7000 ही है, मल्टीप्लाई में 40 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, और कैसे में डिवाइड देंगे, 175 निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो हमें 175 पेंसिल बेचनी पड़ेंगी, और 500 पैसे यानी 5 रुपये का लॉस चाहिए तो 125 पेंसिल हमें बेचनी होगी। स्टूडेंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड 125, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड 175। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।